तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, सरकार का काम है कि लोगों को उनकी जरूरतें मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे। बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं या ये लोग देखना नहीं चाहते? बार बार लोगों की आस्था लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना, भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। सरकार है करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं? कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए? शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी। जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं करे वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लवकुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? बताइए, क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे, या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे, या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हो, जिनके प्रदेश में चूहे बांध चूहे कुदर जाते हो, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? भाई मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना, भाई हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज में आस्था रखता है, कौन किस चीज में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी, ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है भाई। कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते, वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, सरकार का काम है कि लोगों को उनकी जरूरतें मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे। क्या बिहार में तमाम और ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं? क्या पूरी की पूरी सरकार कौन से बाबा आ रहे हैं कौन से बाबा नहीं आ रहे, छोड़ दीजिए ना लोगों के ऊपर भाई। लोग देखेंगे समझेंगे अपना, कोई आएगा मिलेंगे, नहीं आएगा नहीं मिलेंगे, ये लोगों के ऊपर है। पर जब सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो ये दर्शाता है, पूर्णतः ये दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है जो सरासर गलत है। हाँ, रिट पिटीशन अब इनको डालने का याद आ रहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो। भाई हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए? शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो जरूरी ही नहीं समझते। और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमजोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती,
सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया, मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और है, चाहते कुछ और है। 500 करोड़ जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं करे वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लवकुश कोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है बताइए? तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का? कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे, या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे, या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में चूहे बांध चूहे कुदर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे? जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो, तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा बताइए? कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाली और उसके बाद अब बिहार में जेडीयू के सांसद भी मांग कर रहे हैं इसको बैन किया जाए। तो भाई मांग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। जहां पे किसी भी संगठन को बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है आपके दल के नेताओं के द्वारा, मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी जब जनादेश का आपने अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण है कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही है। थैंक यू भाई।